नमस्ते फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? तरबूज का मौसम आ गया है और आप सोच रहे होंगे कि क्या मैं खा सकती हूँ, क्या ये प्रेगनेंसी में सेफ़ है। तो आइए जानते हैं, मेरे इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी बताना चाहती हूँ कि क्या तरबूज प्रेगनेंसी में खा सकते हैं, तरबूज के प्रेगनेंसी में क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, किसे तरबूज नहीं खाना चाहिए। तो बने रहिए मेरे वीडियो के आखिरी तक। तो गर्मी का मौसम आ गया है फ्रेंड्स, और जगह जगह पे आपको तरबूज की बड़ी बड़ी थप्पी दिखाई दे रही होगी, और आप प्रेग्नेंट हो और आप ये सोच रहे हो कि तरबूज प्रेगनेंसी में खाना चाहिए या नहीं, क्योंकि तरबूज में बहुत पानी रहता है। कोई बोलते हैं नहीं खाना चाहिए, गर्म रहता है बॉडी के लिए, मिसकैरेज हो सकता है। तो आइए जानते हैं क्या है तरबूज का सच। तो इसका सेवन करना चाहिए या नहीं प्रेगनेंसी में, क्या ये सेफ़ है प्रेगनेंसी में? तो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सेफ़ है प्रेगनेंसी में, और आप बिल्कुल खुले मन से तरबूज का सेवन प्रेगनेंसी में कर सकते हैं। तरबूज के बहुत फ़ायदे हैं, उनमें से बहुत सारे विटामिन्स, मिनरल्स और 92% पानी होने की वजह से ये प्रेगनेंसी में बहुत फ़ायदेमंद करता है। पहले सबसे पहले तो तरबूज में विटामिन ए रहता है, जो हमारी आँखों के लिए और बच्चे की आंखों के लिए बहुत फ़ायदा करता है। विटामिन सी होने की वजह से बॉडी में आयरन का जो अब्जॉर्प्शन होता है वो बढ़ जाता है। आयरन को अच्छे से अब्जॉर्ब करने के लिए बॉडी में विटामिन सी का होना बहुत ज़रूरी रहता है, जो हमको तरबूज से मिलता है। विटामिन सी ना हीलिंग भी बहुत अच्छे से हेल्प करता है। थोड़ा सा भी हमको घाव लगेगा तो विटामिन सी अगर बॉडी में सही रहेगा तो ये हमारे घाव को जल्दी भरने में मदद करता है। और क्या क्या रहता है तरबूज में? एंटीऑक्सीडेंट्स, जी हाँ, लाइकोपीन्स और ल्यूटीन, यानी ये एंटीऑक्सीडेंट्स के नाम है। ये एंटीऑक्सीडेंट्स बॉडी में आने से जो बॉडी का ब्लड प्रेशर रहता है वो कंट्रोल में रहता है, क्योंकि कुछ कुछ महिलाओं को प्रेगनेंसी में भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो अगर कोई महिला एट रिस्क है ब्लड प्रेशर के, तो उनका ब्लड प्रेशर तरबूज खाने से कंट्रोल में रहता है। या फिर कोई ऐसे लेडीज़ जिनका पहली प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर रहा हो, इस प्रेगनेंसी में भी ब्लड प्रेशर बढ़ने की प्रॉब्लम हो सकती है, तरबूज खाने से अपना ब्लड प्रेशर मेंटेन में आप रख सकते हो। स्टडीज़ ये बताते हैं कि 4 mg यानी 4 mg ऑफ लाइकोपीन अगर हमको एक 150 ग्राम तरबूज में मिलता है, जिससे कि ब्लड प्रेशर यानी कि प्री एक्लैम्प्सिया के चांसेस 50% हम कम कर सकते हैं। तरबूज में मिनरल्स भी होते हैं। मिनरल्स होने की वजह से जो हमको प्रेगनेंसी में छोटे मोटे मसल के क्रैम्प्स रहते हैं, पैर में मरोड़ जैसा आता है, वो कम हो सकता है। और क्या रहता है तरबूज में? पोटेशियम, जी हाँ, पोटेशियम भी रहता है, और वो हमारे बीपी को कंट्रोल में रखता है, जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ मिलके ये हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है। और प्रेगनेंसी में होने वाली स्वेलिंग भी पोटेशियम की वजह से कम हो जाती है। एल-सिट्रिन और एल-आर्जिनिन जैसे अमीनो एसिड्स तरबूज में रहते हैं। ये दोनों भी एसेंशियल प्रोटीन्स हैं, जो हमारे बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, इसीलिए इसके बहुत फ़ायदे हैं और इसका सेवन हमको ज़रूर करना चाहिए। नाउ इसमें कैसे 92% पानी रहता है, तो स्किन की सारी प्रॉब्लम समझ लो आपकी प्रेगनेंसी में दूर हो जाएगी। जो भी बॉडी में 92% पानी की वजह से बॉडी में हाइड्रेशन बना के रखता है वाटरमेलन, जिनको स्ट्रेच मार्क्स की बहुत ज़्यादा शिकायत है, उनके स्ट्रेच मार्क्स थोड़े अच्छा हाइड्रेशन होने की वजह से स्ट्रेच मार्क्स थोड़े कम हो जाते हैं, स्किन ग्लो करने लग जाती है। पहले तो जब भी तरबूज घर पे आता है उसको हमको अच्छे से धोना है नमक के पानी में, आधे घंटे के लिए थोड़ी देर के लिए भिगो के रखना है, और फिर उसको काटना है। ना एक बार काट लिया तो उसको हम बाहर जैसे फ्रिज के बाहर 2 घंटे तक ही रख सकते हैं, उसके बाद उसको फ्रिज के अंदर डालना है, नहीं तो फूड पॉइजनिंग का डर रहता है। तरबूज में ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा रहता है। इसके लिए इसका सेवन जो लेडीज़ जिनको प्रेगनेंसी में शुगर की शिकायत है उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये शुगर की मात्रा बॉडी में ऊपर नीचे कर देता है, थोड़ा शुगर स्पाइक्स ऊपर नीचे हो जाता है, इस वजह से आपको
अगर आपको शुगर की शिकायत है, डॉक्टर ने आपको कम शक्कर लेने को बोला है, तो आपको तरबूज थोड़ा ध्यान से इस्तेमाल करना चाहिए, डॉक्टर की परमिशन के बाद ही उसको इस्तेमाल करना चाहिए। बाकी तरबूज बिल्कुल सेफ है प्रेगनेंसी में। इन शॉर्ट वाटरमेलन यानी कि तरबूज प्रेगनेंसी में बहुत फ़ायदे का होता है और इसका सेवन आपको ज़रूर करना चाहिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरा ये वीडियो आपके फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और आपने अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।